मैं भैया पंकज गांव वाला हूँ और मैं लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट करवाता हूँ, लाइव चलवाता हूँ और इंस्टाग्राम पे है पंकज गांव वाला। भैया फोटो ले सकता हूँ आपके साथ? मुकेश भैया दिल के बहुत अच्छे हैं, काफ़ी देर तक बात किए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे बात किए और कल के मैच के लिए आपको एक्स्ट्रा बधाई। सभी भाइयों को नमस्कार और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का त्यौहार है दोस्तों, कल दिल्ली कैपिटल के साथ लखनऊ सुपर जायंट का मैच है तो मैं आज यहाँ पर ग्राउंड में आ चुका हूँ। एक दिन पहले ही मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी होती है LSC क्रिकेट के द्वारा और यहाँ पर कुछ लड़कों को बुलाया जाता है, उन्हें यहाँ पर टीम के बारे में और मैनर के बारे में कुछ चीज़ बताया जाता है कि जो ध्यान दे। आपको मैच कैसा लग रहा है? वैसे लखनऊ सुपर जायंट तीसरे स्थान पे है, कल अगर मैच जीत जाती है तो दूसरे स्थान पे हो जाएगी। वैसे लखनऊ सुपर जायंट तो है भी नई ही टीम, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई आप तो पहले RCB को सपोर्ट करते थे लेकिन आप लखनऊ सुपर जायंट को सपोर्ट कर रहे हो, तो भाई देखो खेल जो होता है IPL का जो खेल है वो प्लेयर के हिसाब से खेला जाता है। जैसे अभी चेन्नई सुपर किंग का मैच हो रहा हो तो भाई हम MS धोनी को सपोर्ट करने लगेंगे, अगर RCB का मैच हो रहा हो तो मैं विराट कोहली को सपोर्ट करने लगूंगा और MI का मैच हो रहा हो तो मैं रोहित शर्मा को सपोर्ट करने लगूंगा। तो मैं ज़्यादातर मैं इस तरह से देखता हूँ, प्लेयर के हिसाब से मैच को एंटरटेनमेंट करता हूँ। RCB को मैं इसलिए ज़्यादा लाइक करता था क्योंकि AB डिविलियर्स मेरे फेवरेट रहते थे, तो AB डिविलियर्स हो गए, विराट कोहली हो गए, AB डिविलियर्स सब खेलते हैं, उनकी जगह मैक्सवेल आ गए हैं फिलहाल, वो इस बार चल नहीं रहे और दिनेश कार्तिक भी अच्छा खेलते हैं। वैसे RCB के पास बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक है, बॉलिंग की वजह से RCB हमेशा हारती है और इस बार भी लगातार बॉलिंग की परफॉर्मेंस की वजह से वो हार रही है। अगर बॉलिंग RCB मजबूत कर ले तो वो IPL अपना खिताब जीत सकती है। वैसे आप सभी कल मैच देखने के लिए यहाँ पर जो भी आना चाहते हैं आएँ, टिकट आप सभी लोग बुक ही कर लिए होंगे। दोस्तों मैं टिकट के लिए बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग टिकट के लिए कन्फ्यूजन रहते हैं। देखो सबसे सस्ता टिकट वैसे लखनऊ में मिलता है, कहीं भी IPL हो रहा हो सबसे सस्ता टिकट लखनऊ में मिलता है, लेकिन वही अगर आप चेन्नई में चले जाएंगे और RCB चले जाएंगे चिन्नास्वामी स्टेडियम और मुंबई चले जाएंगे वानखेड़े, वहाँ पर टिकट बहुत महंगी मिलती है। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर मैच हो रहा था तो यहाँ पर टिकट का रेट मात्र 399 रुपये था, अब वही अगर 18 अप्रैल को यहाँ पर मैच होने जा रहा है चेन्नई सुपर किंग के साथ तो वो टिकट 1500 रुपये के आसपास 1300-1200 में बिक रहा है। रीज़न क्या है? बड़ी जो टीमें होती हैं उनके साथ टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं। देखो मैं टिकट का बता दे रहा हूँ, अगर ये आगे की टिकट ये आगे की है सीट, आप यहाँ पर लखनऊ में इसको 550 रुपये में बुक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये सारी 550 में, अगर पीछे जाएंगे जो थोड़ा गुलाबी कलर की है तो वो आपको 399 यानी 400 रुपये का टिकट मिलेगा आपको, GST और बुकिंग चार्ज लेकर आपको लगभग 20 रुपये पड़ जाता है, 420 रुपये नॉर्मल बता रहा हूँ। जैसे लखनऊ सुपर जायंट का मैच हो गया राजस्थान रॉयल के साथ, लखनऊ सुपर जायंट का हो गया गुजरात टाइटन के साथ, लखनऊ सुपर जायंट का हो गया कोलकाता के साथ, इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ रहता है। लेकिन वही RCB के साथ मैच हो रहा हो या चेन्नई सुपर किंग के साथ मैच हो रहा है या मुंबई इंडियंस के साथ हो रहा मैच, तो वो चीज़ें बदल जाती हैं दोस्तों। फिर वही जो आगे वाली सीटें हैं ये आपके 1500-1600 के बिकती हैं और पीछे वाली आपके 1300-1400 के बिकती हैं, बाकी जो VVIP होता है तो वो दिखा दे रहा हूँ नीचे, वो ऊपर वाला ये तो जो जब यहाँ पर टिकट ये 400-500 रुपये बिकता है तब ये ऊपर वाली टिकट ये 1500-2025 रुपये में बिकता है, लेकिन जो मज़ा एंटरटेनमेंट यहाँ नीचे बैठ के देखने में दोस्तों उतना उसमें नहीं रहता है। मैच देखना है तो आपको यहाँ पर सबसे कम टिकट वाला रहता है पीछे और उससे थोड़ा और महंगा, थोड़ा सा महंगा पैसा लगा देंगे 100-150 रुपये तो आपको यहाँ पर आगे की सीट यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे टिकट आप बुक कर रहे हो कोई भी मैच हो, आप मैच शुरू होने के 10 से 12 दिन पहले खुल जाता है टिकट सोल्ड आउट होना, तो 12 दिन पहले आप बुक माई शो पर जाकर टिकट बुक कर लिया करें दोस्तों, कहीं इधर उधर से नहीं, इसके लिए जानकारी बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि हाँ मेरे पास टिकट है, मेरे पास टिकट है, तो किसी से आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं, उसमें आप फंस जाएंगे, आप केवल आप बुक माई शो की ऑफिशियल साइट है वहाँ से जाकर टिकट बुक किया करें, किसी के बहकावे में ना करें। कोई कमेंट करता है वीडियो में मेरे पास टिकट है, मेरे पास टिकट है, किसी से लिया ना करें वहाँ पर, क्योंकि वो आपसे हाफ बोलेंगे, हाफ पेमेंट कर दीजिए, बाद में पैसा आपको और दीजिएगा टिकट पाने के पास, वो पैसा लेके भाग जाते हैं, हर जगह स्कैमर घूम रहे हैं। तो दोस्तों टिकट आपको लेना हो तो अगर नॉर्मल लखनऊ की बात कर रहा हूँ, आगे की टिकट ये है कुछ 550 की और पीछे वो टिकट है आपकी 400 रुपये की, लेकिन चेन्नई के साथ मैच हो रहा है तो आगे की टिकट आपकी 1500 की हो जाएगी और पीछे वाली वही आपकी टिकट हो जाएगी लगभग 1300 की, वही चीज़ें महंगी हो जाती है। वैसे चेन्नई वाले, चेन्नई का मैच होता रहता है तो वो अपनी टी शर्ट भी देते हैं, तो वैसे वो उनका मैच के हिसाब से उनका टिकट भी मैच हो जाता है। जैसे कुछ मैचों होता है प्री बुकिंग होता है, जैसे मान लिया आम लोगों के लिए वहाँ पर टिकट नहीं बुक करवाते हैं, जैसे लखनऊ सुपर जायंट का ऑफिशियल पेज हो गया, बहुत सारे लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, और जैसे चेन्नई सुपर किंग हो गया तो उनकी ऑफिशियल पेज पर जाकर लोग, उनके वेबसाइट पर जाकर लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो वो जाके बुक माई शो में उनका दिखाने लगता है, वो प्री बुक हो जाता है उनका। लेकिन जैसे नॉर्मल लोग होते हैं जैसे बुक माई शो पे करते हैं तो उनका नहीं हो पाता है। मैं इसी मैच के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो 19 अप्रैल को यहाँ पर मैच होने जा रहा है चेन्नई सुपर किंग के साथ, जैसे टिकट खुला आधे घंटे में सोल्ड आउट हो गया दोस्तों, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना है। टिकट जैसे मैच हो उसके 12-13 दिन स्टार्टिंग में आप टिकट बुक कर लिया करें जिससे आपको मैच देखने में कोई प्रॉब्लम ना हुआ करें। यहाँ पर कुछ देर में खिलाड़ी यहाँ पर आके प्रैक्टिस भी करने लगेंगे, धीरे धीरे कुछ खिलाड़ी आ भी चुके हैं और अभी कुछ देर बाद यहाँ पर और प्लेयर आके यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगेंगे। वैसे ग्राउंड है
वैसे लखनऊ सुपर जायंट बहुत अच्छा यहाँ पर होम ग्राउंड है, यहाँ पर अच्छा मैच होने लगा है। ये था कि अभी नई टीम है लखनऊ सुपर जायंट, इसलिए थोड़ा फैन फॉलोइंग कम है। वैसे उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत बड़ा है, मैं इसलिए यहाँ पर अब मैं अपनी आपको रियलिटी बता दे रहा हूँ। पहले मैं सबसे पहले मैं दिल्ली कैपिटल को सपोर्ट करता था, तब दिल्ली का नाम था डेल्ही डेविल्स, इसलिए मैं सपोर्ट करता था क्योंकि वीरेंद्र सहवाग शुरू में उसके कप्तान हुआ करते थे। बाद में वीरेंद्र सहवाग चले गए थे किंग्स इलेवन पंजाब में चले गए थे, लेकिन फिर उसके बाद जब नई फ्रेंचाइजी, मैं हमेशा दिल्ली को सपोर्ट करता था दोस्तों। उसके बाद क्योंकि यूपी और दिल्ली जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं दिल्ली को सपोर्ट करता था। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स जब टीम बन गई तो कहा भाई मेरे घर की टीम है, फिर इसके आते मैं इसको सपोर्ट करने लगा। बाकी मैं सारे टीमों को सपोर्ट, अब मैं टीम के ऊपर कभी नहीं देखता हूं, मैं प्लेयर के ऊपर मैच देखता हूं, कौन सा प्लेयर अच्छा खेला, मैं एंटरटेनमेंट करता हूं, कोई फिक्स नहीं कि हमारी टीम यही है। वैसे कल के मैच में हो सकता है मयंक यादव ना खेलें क्योंकि वो चोटिल हो गए हैं। जिस तरह से पहला मैच वो खेले थे यहीं पर पंजाब किंग के साथ 156 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग की, बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु खेलने गए थे मयंक यादव, वहां भी 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग की थी, अच्छी बॉलिंग की थी, दो मैचों में शानदार विकेट लिए थे। लेकिन उसके बाद यहां पर जो पिछला मैच हुआ था गुजरात टाइटन के साथ, उसमें मयंक यादव 136-137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे हो गया टाटा ऑफिस भाई, मयंक यादव को इंजरी हो गई, अगर किसी को भी इंजरी हो जाएगी जाहिर सी बात है वो अपने रफ्तार से नीचे तो आने वाला ही है। 5-6 दिन बाद जब वापस आ जाएंगे दूसरी रफ्तार से फिर फेंकने लगेंगे, तो किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर कोई चोटिल हो गया तो अपनी जान निकाल के थोड़ी फेंकेगा, किसी की प्रतिभा देखना रहता है तो एक मैच में देख सकते हैं, लेकिन लगातार दो मैचों में अच्छा किया है, इसका मतलब मयंक यादव बेस्ट प्लेयर है। बाकी हो सकता है मयंक यादव की जगह मोहसिन खान के लिए, बाकी रवि विष्णु अच्छी बॉलिंग कर ही रहे हैं, यश ठाकुर तो मिल ही गए हैं शानदार, जिस तरह से पिछले मैच में 5 विकेट लिया था दोस्तों। दोस्तों अभी यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की टीम आ चुकी है, सारे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल यहाँ पर मैच होने जा रहा है, और ये LSG विकेट के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस ग्राउंड में सारे दिल्ली कैपिटल के यहाँ पर लोग पसीना बहा रहे हैं, अभी लखनऊ सुपर जायंट के प्लेयर उधर वो पसीना बहा रहे हैं, और कल यहाँ पर मैच होने जा रहा है दोस्तों। दिल्ली का जो मैच है ऋषभ पंत की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, बंदा जिस तरह से चोटिल होने के बाद वापस आया है शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। वैसे लखनऊ सुपर जायंट की तरफ क्विंटन डिकॉक भी अच्छा खेल रहे हैं, असाध में जिस तरह से वहां पर देखा होता है मरकस स्टोनिस शानदार बैटिंग कर रहे हैं, निकोलस पोलो तो भाई अपना शानदार है ही, KL राहुल को देखा चलना जरूरी है, KL राहुल जब तक चलते हैं नहीं मजा नहीं आती, वैसे निकोलस पूरन जो है काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करते हैं। वैसे दिल्ली की टीम भी काफी मजबूत है, इकाने स्टेडियम के देख रहे हैं यहाँ पर नीचे कई, देखो कितना ऊंचा, काफी ज्यादा ऊंचाई पर है दोस्तों, ये काफी बड़ा स्टेडियम है, ये देख रहे हैं कितने ऊपर तक दर्शक बैठ के देखते रहते हैं यहाँ पर, भाई मंजिल भाई मंजिल है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर ये चला गया। मुकेश भैया दिल के बहुत अच्छे हैं, काफी देर तक बात किए, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे बात किए, और कल के मैच के लिए आपको एक्स्ट्रा बधाई दोस्तों। अभी मैं मुकेश कुमार से मिल के आ रहा हूँ, और फोटो लेने के चक्कर में भूल ही गया कि हाँ मुझे कुछ बातें और कर लेनी चाहिए थे, बड़े देर तक वो खड़े थे, मुझे क्रिकेट के बारे में पूछ लेना चाहिए था, ऐसे मौके बार बार मिलते हैं नहीं दोस्तों। कल का मैच होने जा रहा है दिल्ली कैपिटल और LSG के बीच में, लखनऊ सुपर जायंट को वैसे हम सब जिता रहे हैं, लेकिन मुकेश जी को ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कहा मुझसे मिले भाई, बात किए, फोटो हमारी साथ लिए, सेल्फी लिए, काफी अच्छा लगा। मुकेश कुमार जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कल के मैच में आप भी अच्छा परफॉर्मेंस करें।